हेलो जुन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाई फाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड, दो दिनों के बाद एक नई खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ, केवल और केवल यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ऑर्डिनेंस सर्विस सिलेक्शन कमीशन से खबर लेकर के मैं आ चुका हूँ नई लेखपाल भर्ती को लेकर के। पुरानी लेखपाल भर्ती यानी राजस्व लेखपाल भर्ती 8085 पदों पर जो हो रही है, उस भर्ती को लेकर के जो एक विवाद खड़ा हुआ है, आंसर की को लेकर के, परीक्षा में पेपर को जो है नकल करवाने को लेकर के, ये सब तो विवाद के विवाद ही है। लेकिन नई भर्ती विज्ञापन को लेकर के आयोग को अधियाचन भेजाने की तैयारी शासन ने शुरू कर दिया है, राजस्व विभाग ने शुरू कर दिया है। तो अभी जो मैं आपको खबर दिखाऊंगा, इससे निश्चित तौर पर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें, ताकि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई प्रत्येक को महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए एक प्रतियोगी छात्र के लिए जरूरी हो, उपयोगी हो, आप तक आपके मोबाइल हैंडसेट पर राहुल वाईफाई एक्सटेंशन के माध्यम से पहुंचाया जा सके। तो बड़ी खबर, इंपॉर्टेंट खबर, ज़रूरी खबर आप सभी लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जिन्होंने पैट 2022 में ऑनलाइन आवेदन किया है, विशेष तौर पर उनके लिए। क्या कुछ खबरें हैं नई लेखपाल भर्ती को लेकर के, देखते हैं प्रिंट मीडिया के सौजन्य से। यहाँ से लेखपाल के 4,500 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू, दैनिक जागरण की खबर है। प्रदेश में इस वर्ष 4,443 लेखपालों के राजस्व निरीक्षक के पद पदोन्नति के कारण लेखपाल संवर्ग के लगभग 4,500 पद खाली हो गए हैं। इन रिक्त पदों पर भर्ती कराने की तैयारी प्रदेश में लेखपाल के 30,827 पद सृजित हैं और राजस्व परिषद ने चयन 18, 19, 20 और 21 में राजस्व निरीक्षक के पद पर 1,222 लेखपालों की प्रोन्नति इस अप्रैल में की थी और इस प्रोन्नति के बाद प्रदेश में लेखपाल 19,509 पद भरे, जबकि 11,328 पद खाली थे। इन 11,328 पदों में 8,085 पदों भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा करा चुका है और इन पदों पर भर्ती पूरी तरह संपन्न भी हो जाती है तो भी 3,243 पद खाली रहेंगे। इस बीच राजस्व परिषद ने बीते अगस्त में चयन वर्ष 21-22 में 1,221 और लेखपालों को राजस्व निरीक्षक के प्रोन्नति के बाद, राजस्व निरीक्षक के पद पर हुई प्रोन्नति के बाद लेखपाल समर के अब 4,463 यानी लगभग 4,500 पद खाली हो गए हैं। लेखपाल का संवर्ग मंडलीय संवर्ग है ना, मंडलीय संवर्ग है। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीष त्रिघाटिया ने सभी मंडलायुक्तों से कहा है कि चयन वर्ष 2021-22 साथ ही चयन वर्ष 22-23 का अधियाचन भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाना है, इसलिए रिक्तियों के आधार पर अधियाचन राजस्व परिषद को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। तो एक बार पुनः आप देख सकते हैं, और ये जो पदों की संख्या 4,500 के आसपास है फ्रेंड्स, निश्चित तौर पर ये पदों की संख्या बढ़ने वाली है। अभी रिटायरमेंट की हैं खबरें, बहुत से लेखपाल रिटायरमेंट होंगे तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर बात किया जाए तो एक नई जो मंडलायुक्तों की रिपोर्ट राजस्व परिषद को पहुंचेगी उसमें पदों की संख्या जल्द से जल्द जो रिपोर्ट आएगी बढ़ी हुई आपको दिखेगी। तो ये बड़ी खबर है लेखपाल भर्ती नई भर्ती विज्ञापन को लेकर के, एक नई लेखपाल भर्ती का विज्ञापन पैट 2022 के जरिए, किसके पैट 2022 के जरिए प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है राजस्व परिषद के द्वारा, और बहुत जल्द हो सकता है कि जो है 2 महीने के भीतर भीतर, जी हाँ, क्योंकि पैट 2022 के माध्यम से ही भर्ती होगी ये, ना कि 21 पैट के माध्यम से भर्ती होगी, तो बहुत जल्द इसका अधियाचन भी यूपी ट्रिपल एससी को राजस्व परिषद भेजेगा और यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 के माध्यम से भर्ती कराने की तैयारी कर रहा है। और आपको पता होगा जिस प्रकार से पैट की बात किया जाए, पैट को लेकर के जो बात कही गई थी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से या फिर राज्य सरकार की तरफ से, ऐसी कुछ बहुत तेज़ी तो नहीं दिखी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में, लेकिन आपको बझाने फंसाने का कार्य जरूर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को द्वारा किया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट खबर आप तक पहुँचाई है राहुल वाईफाई स्टेशन के माध्यम से। खबर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव महसूस हो तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।